नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप दोस्तों। रिविक लोग ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गाड़ी का नाम है फ्यूजन डीएक्स। दोस्तों कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, फ्यूजन और फ्यूजन डीएक्स दो अलग अलग मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे की सबसे पहले आपको कोस बाइक दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पर आपको कोस बाइक दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्यूजन डीएक्स जो गाड़ी है कोस बाइक का ये मॉडल है। फ्यूजन जो ओबी है वो भी कोस बाइक का ही मॉडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोस बाइक लिखा हुआ है। और यहाँ सबसे पहले आपको टायर दिखा देते हैं। इसका जो टायर है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त, जो इसका जो रिंग है ये भी लोए बिल है, ये भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपको डिस्क ब्रेक दिखा देते हैं। उसमें इसमें भी डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक बिल्कुल है दोस्तों, अब देख सकते हैं। अब आगे और हम आपको दिखाते हैं फ्यूजन डीएक्स के बारे में। एक चीज आपको हम बता रहे हैं, इसका लाइटिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त लाइटिंग कंपनी ने दिया हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, इस गाड़ी को देखने में आपको भी लगता होगा। आगे और थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे को, ये लाइटिंग दिखाते हैं बिल्कुल ही जबरदस्त, यानी एलईडी लाइट है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर क्या चीज लिखा होता है, बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन आता है, इसके बैटरी कैसे पता चलेगा, कितना चार्ज है, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए हम दिखाते हैं गाड़ी आपको स्टार्ट कर। जैसे देखिए गाड़ी को हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं पार्किंग मोड आ गया। अभी इस गाड़ी में बैटरी नहीं आपको दिखा रहा होगा, कुल दो बैटरी रेड है, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा ये आपको गाड़ी का परसेंटेज बताता है। अगर ये दो और बैटरी भर जाता है तो गाड़ी पूरा कंप्लीट फुली चार्ज हो जाती है। गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो आपको एक चीज और आया होगा यहाँ पी, यानी आप पी आने के बाद अगर गाड़ी अगर स्टार्ट करते होंगे, यानी गाड़ी आगे बढ़ाते होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि दोस्तों इसका पी का मतलब होता है यानी पार्किंग मोड, ठीक है। ये पार्किंग मोड को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्पेशल स्विच दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, और कहीं आप पर नहीं समझ में आया होगा, ये स्विच आपको फ्यूजन डीएक्स में यहाँ पर पार्किंग मोड का स्पेशल स्विच दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्किंग स्विच को दाबते हैं, देखिए आपको लाइट दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पार्किंग मोड हट गया, और गाड़ी आपको रनिंग की स्थिति में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ से आप स्पीड देख सकते हैं, स्पीड आपको दिखा सकते हैं, देखिए स्पीड दोस्तों। एक आप काफी लोग पूछते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि कितने मोड में गाड़ी कितनी स्पीड में चलेगी। देखिए दोस्तों हम फर्स्ट मोड में किए हैं, अभी फर्स्ट मोड में है, 38 की स्पीड गाड़ी दिखा रहा है आपको। जैसे ही इसको सेकंड आप दिखाते हैं, जैसे ही आपके सामने लाइट ऑन करके दिखा रहे हैं, जैसे ही सेकंड मोड करते हैं, देखिए गाड़ी की स्पीड 44 हो गया। काफी सारे लोग पूछते हैं कि गाड़ी की स्पीड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो हम थर्ड मोड करके आपको हम दिखाते हैं। और देखिए ये थर्ड मोड पर जैसे ही करते हैं तो 48 का स्पीड आपको आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आगे बढ़कर 2 यानी 50 का स्पीड आपको दिखाता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों हम आपको एक और तरीका बताते हैं रिमोट के बारे में। काफी लोग ने क्वेश्चन किया है कि गाड़ी क्या करते हैं, रिमोट स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम गाड़ी जो है हम की से बंद करेंगे। दोस्तों आप लोग को यहाँ ध्यान देना होगा, अगर हम की से चालू करते हैं तो की से ही गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने हमने की से गाड़ी स्टार्ट करके दिखाया था, अब आपको रिमोट से स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसको हम क्या करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए गाड़ी आप स्कूटी स्टार्ट हो गया, यहाँ पार्किंग मोड आया जस्ट अभी तुरंत आपको हम बताए थे, ठीक है। अब इसको हमको स्कूटी को बंद करना होगा तो यहाँ पर देखिए इसको हम डबल सॉरी सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये गाड़ी बिल्कुल बंद हो गया दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये सो स्विच दिया गया है सर, ये अपर और डिपर लाइट का स्विच है, जो कि हम आप लोग ज्यादातर लोग इसको जानते हैं। ये जो है स्विच आपको नीचे दिया गया है, ये आपका साइड इंडिकेटर का स्विच है दोस्तों। और ये जो आपको रेड कलर का आपको स्विच दिया गया है, ये आपको ठंडी के दिन में जब धुंध ज्यादा पड़ता है उस समय आप चारों इंडिकेटर जलाकर चल सकते हैं, ठीक। उसके नीचे आपको ग्रीन कलर का स्विच दिया गया है, ये आपका रिवर्स है, यानी कि पीछे के तरफ गाड़ी बाइक में जाएगी, वो आपको दिया गया है। और ये आप दोस्तों बाई गॉड एक गजब का ये सिस्टम इस गाड़ी नया फैसिलिटी में दिया गया है। जैसे कि आप कहीं चल रहे हैं, कहीं आपको फोन आ गया, उस कंडीशन में आप तो आप गाड़ी को रोक देते हैं कहीं, या तो आप गाड़ी पर बात करो, वहां पर खतरा भी बन सकता है। तो अब कंपनी ने क्या कहा है, जबरदस्त ये फैसिलिटी दिया है दोस्तों। ये आप गाड़ी को स्टार्ट यहाँ पे एक्सीलेटर फिक्स कर, जैसे आप 25 की स्पीड में चलते हैं, हम आपको लाइव दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमने गाड़ी अभी हम गाड़ी स्टार्ट किए, ठीक है,
हम चल रहे हैं, हमारा गाड़ी अभी 47 की स्पीड में है, हम चाहते हैं कि उतना ही स्पीड में रहे, इसको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको क्लिक कर देना है और छोड़ देना है, देखिए गाड़ी स्पीड उतना ही बताएगा। आप अपने मोबाइल और फोन से बिल्कुल बात कर सकते हैं इजीली सर। अब सोच सकते हैं कि अब आज के समय में स्कूटी में लेने में कितना फायदा है। एक चीज और है दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहे हैं, अब एक चीज और पूछेगा, हमने तो फिक्स कर दिया, ये नॉर्मल कैसे होगा? दोस्तों नॉर्मल करने के लिए आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हल्का हिला देना है, टर्न करने के बाद अपने आप जो पहले जिस कंडीशन में था वो कंडीशन में गाड़ी आ जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे कि आपने मोबाइल जा रहे हैं कहीं, मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया तो कहीं आपको जाना नहीं, आपको यहाँ पर केबल बिल्कुल दिया गया है, मोबाइल रखने का भी जगह दिया गया है, वाटर बोतल भी यहाँ पर भी रख सकते हैं, काफी सारी फैसिलिटी इस फ्यूजन डीएक्स में आपको दिया गया है जो कि आपको उपलब्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एक हुक दिया गया है, कोई भी सामान बैग आप ऑफिस जाते हैं यहाँ पर हुक में लटका सकते हैं, और यहाँ पर जो फुटवेयर है वो काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं हम पैर अपना बहुत इजीली और आराम से रख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आराम से पैर रख सकते हैं। आइए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैंड पे गाड़ी अगर खड़ा होता है, जो अभी जो लेटेस्ट स्कूटी यानी फ्यूजन डीएक्स आया है दोस्तों, अगर स्टैंड सिंगल स्टैंड को आपको स्कूटी और खड़ा करते हैं तो एक गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं करेगा नए वाले फ्यूजन डीएक्स में, आप इस चीज को ध्यान में आप रख लीजिएगा। आगे की बात करते हैं, जस्ट उसके बगल में हम जाते हैं, इसको डबल स्टैंड गाड़ी है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। उसके और साइड में जाते हैं, यहाँ पर लेडीज फुटवेयर आपको मिलता है, आप देख सकते हैं तो नॉर्मल चीज है बिल्कुल। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें अब पहले वाले फ्यूजन डीएक्स और ये वाले फ्यूजन डीएक्स जो अभी नया लेटेस्ट स्कूटी अपडेट करके आया है, इसमें 1100 वाट का मोटर है दोस्तों, बिल्कुल इस मोटर का वारंटी कंपनी बिल्कुल इस बार आपको 3.5 साल के लिए कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले वाले में जो था वो केवल 3 साल का वारंटी के साथ कंपनी देता है, इसमें जो लेटेस्ट आया है वर्जन आया है ये कंपनी आपको कस्टमर को परेशानी न हो 3.5 साल कर देती है दोस्तों। आप बिल्कुल ये जो मोटर है बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ जो है बिल्कुल वाटर प्रूफ है। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि पानी से हम धो पाते हैं गाड़ी या नहीं, दोस्तों आप गाड़ी पानी से बिल्कुल धोइए ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसमें पानी मोटर में न जाए, फोर्सिंग से आपको बिल्कुल नहीं धोना है। अब आते हैं इसके बैक साइड, आप देख सकते हैं बिल्कुल बैक साइड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप एक चीज और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 इमिशन, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं 0 इमिशन के मतलब क्या होता है दोस्तों। जो ये गाड़ी है लो स्पीड की गाड़ी है, इसमें रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री है दोस्तों, आप जान सकते हैं। आइए दोस्तों हम आपको टिकी के पार्ट खोल के दिखाते हैं, डिकी खोल के दिखाते हैं कैसे टिकी खोलता है, इसमें क्या क्या सामान आप रख सकते हैं और उसके अंदर क्या फैसिलिटीज में बैटरी कहाँ पर है वो सारा कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको टिकी खोलने के लिए कहीं नहीं कुछ करना है, जो आपकी है थोड़ा सा टर्न करना है और देखिए आपकी आवाज आया हुआ है, डिकी बिल्कुल खुल गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर स्पेस आपको बहुत सारा काफी दिया गया है। यहाँ पर लंच बॉक्स या कोई भी घर का सामान आप खरीद कर यहाँ पे इजिली रख सकते हैं दोस्तों। एक चीज और है, यहाँ पे एक सर्किट आपको दिखाई दिया होगा, ये एनसीबी है, जिस तरह अपने घर में एनसीबी लगाते हैं कि एनसीबी गिराने के बाद सारा लाइट घर में कट जाता है, ठीक उसी प्रकार स्कूटी में एनसीबी आपको दिया गया है, और गाड़ी में कहीं भी स्कूटी में कहीं भी आपको शॉर्ट होगा तो एनसीबी अपने आप गिर जाएगा। एक चीज को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जैसे आप एनसीबी गिरा देते हैं इसको लॉक कर देते हैं तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, अगर गाड़ी आप स्कूटी आप धोते हैं तो एनसीबी गिराकर आपको स्कूटी को धोना पड़ेगा दोस्तों। और अगर स्कूटी आपको सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर स्कूटी आपको कहीं खड़ा करके जाते हैं एनसीबी आप गिराना ना बोले क्योंकि गाड़ी इससे आपका बिल्कुल सेफ्टी हो जाता है। आइए हम आपको बैटरी दिखाते, कभी काफी क्वेश्चन आता है कि बैटरी इसमें कहाँ होता है कैसे लगता होता है क्योंकि अभी नया मार्केट में आया है। देखिए जो इसका बैटरी होता है दोस्तों बस जस्ट इसका नीचे होता है, इसमें एक चीज और है, इसमें आपको टूल बार दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं, ये आपका स्मार्ट कार्ड होता है ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्विस बुक है, यहाँ पर थोड़ा टूल बॉक्स कंपनी ने दिया हुआ है। और यह हम आपको बैटरी दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बैटरी, ये देखिए बिल्कुल बैटरी आपको दिया गया है, ये बैटरी यही बैटरी आपका है, ये बैटरी आपको 60 वोल्ट 24 AH का बैटरी है दोस्तों। ये गाड़ी आपको 75-80 के बीच में चलेगा, यानी 75 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में चलेगा, इस गाड़ी जो है आपको 60 वोल्ट 24 AH का गाड़ी है। इस बैटरी का आपको कंपनी वारंटी अब बढ़ाकर 3.5 साल कर दी है, इसका लाइफ जो है
छह साल का बैटरी का लाइफ होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको गाड़ी चला कर दिखा देते हैं कि गाड़ी आपको कितने स्पीड में चल रही है और कैसे चल रही है दोस्तों। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए गाड़ी अभी हम लोग लेके चल दिए हैं, काफ़ी देखने में, देखिए नाइट में भी इसका जो लुकिंग लुक है, जो लाइटिंग है, ये बहुत ही अच्छा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। आप सोच लीजिए कि देखिए कितना अच्छा नज़ारा नाइट में चलने में लग रहा है। और ये देखिए थोड़ा सा अभी शाम इसका स्पीड हम थोड़ा आपको नहीं अभी दिखा सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा शाम का माहौल है, थोड़ा गाड़ी को आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो देखिए, और देखिए देखिए तीन के मोड में भी गाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो इसका अभी जो 25 स्पीड दिखा रहा है, जो एक केबल है उसको छुड़ाना पड़ता है, वो केबल हम नहीं छुड़ा है, ठीक है। तो जो केबल हम छुड़ा देते हैं तो इसका जो स्पीड है अभी वो आपको 45 से 50 के बीच में बताने लगेगा, ठीक है।